नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाराज नेताओं को साधने का के लिए एक नई रणनीति बनाई है। आप जानते हैं कि बहुत सारे कद्दावर नेता हैं जिन्हें इस बार भाजपा की तरफ से टिकट नहीं मिली है। कई सारे नेता जो हैं वो नाराज हो रहे हैं और यहाँ तक कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भी कुछ नेता जो हैं वो मैदान में उतर गए हैं। लेकिन अब भाजपा की तरफ से एक नई रणनीति बनाई गई है, उस रणनीति के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट से वंचित नेताओं को साधने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। सोमवार को पार्टी ने उन नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जिससे उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। पूर्व मंत्री सत शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुखनंदन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा ने इस बार के चुनाव में सत शर्मा और निर्मल सिंह जैसे बड़े नेताओं को टिकट नहीं दिया है। सत शर्मा 2014 में जम्मू पश्चिम सीट से जीते थे, लेकिन इस बार उनकी जगह अरविंद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह कविंद्र गुप्ता, जिन्होंने 2014 में गांधीनगर से चुनाव जीता था, इस बार चुनावी मैदान में नहीं होंगे। उनकी जगह बहु सीट से विक्रम रंधावा को उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, जो 2014 में कठुआ जिला के बिलावर सीट से जीते थे, को भी इस बार टिकट नहीं मिला है। उनकी जगह सतीश शर्मा को मैदान में उतारा गया है। यह रणनीति भाजपा की ओर से अपने पुराने नेताओं को संगठन में जगह देकर चुनावी नाराजगी को कम करने का प्रयास मानी जा रही है। भाजपा ने अब तक 62 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें कश्मीर घाटी के 20 उम्मीदवारों भी शामिल हैं। कश्मीर घाटी में भाजपा अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है और इस बार वहां भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए गंभीर कोशिशें कर रही है। तो भाजपा की तरफ से ये नई रणनीति बनाई गई है ताकि नाराज नेताओं को संतुष्ट किया जा सके, क्योंकि जिस तरह से टिकट आवंटन को लेकर नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही थी, भाजपा कार्यालय के अंदर ही उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया था। उधमपुर में आप देखें किस तरह से हंगामा हो रहा है। कुछ तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर चुके हैं। तो इस स्थिति को अंकुश लगाने के लिए ये एक नई रणनीति बनाई गई है। ये रणनीति कितनी कामयाब होती है या इस रणनीति के पीछे कोई और कारण है, इसके ऊपर आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। और देख रहे हैं दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।